हेलो फ्रेंड्स, मैं दर्शक, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के अजवा स्वीट के ठीक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक ट्रक जो कि आपको दिखेगा ये आधा ज़मीन के अंदर है और आधा ज़मीन के ऊपर। ये जो आपको विकास दिख रहा है ये है ईगल का एक और नया विकास है, जिस तरीके ईगल कंपनी ने पूरे भिवंडी शहर में जो कि एक सेवर लाइन जिसे कहते हैं सेवर लाइन, लेकिन लोगों को वो ड्रेनेज लाइन के नाम से जानते हैं कि भिवंडी शहर में ड्रेनेज का काम जो को वो ड्रेनेज लाइन के नाम से जानते हैं कि भिवंडी शहर में ड्रेनेज का काम जो ईगल कंपनी द्वारा किया गया है उसका विकास इस तरीके से पूरे शहर का विकास हो रहा है। इसकी आप देख सकते हैं, इसकी गहराई को देख सकते हैं, इसका जो यहाँ पर जो काम किया गया है कि ये जांच का विषय बनता जा रहा है कि इतना गहरा डीप खड्डा होने के बावजूद इसको किस तरीके से यहाँ पे सही तरीके से काम नहीं किया, जिसकी वजह से ये जो एक ट्रक है आज सुबह तकरीबन 7:30 से 8 बजे के टाइम ये धस गया है। ये वही रोड है जहाँ से यहाँ पर जो गर्ल्स कॉलेज और स्कूल, यहाँ से आप देखेंगे तो मेरे पीछे यहाँ पे अक्सा और ये कॉलेज है, जिस तरीके से अगर यहाँ पर अगर कोई बच्चों के या फिर जो स्टूडेंट्स है किसी की अगर कुछ हो जाता था तो इसका जिम्मेदार कौन होता। इसी हमारे साथ में यहाँ पर है भिवंडी शहर के जो उप महापौर है इमरान अली मोहम्मद, वो भी हमारे साथ में, और इस माजी उप महापौर जो है यहाँ पर वो हमारे साथ मौजूद है, और यहाँ के जो है वो नगर सेवक भी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो ड्रेनेज का काम हुआ है सर, कि आप क्या कहेंगे ड्रेनेज के काम के लिए? ड्रेनेज वाले का जो ईगल वाले का काम है, फर्स्ट फेज में जो काम हमारे इधर हुआ था वो काम बहुत ही अच्छा हुआ था, लेकिन जो सेकेंड फेज में जितना भी काम उसने किया है वो कोई काम में कोई क्वालिटी नहीं है। और रही बात इस गड्ढे की, इसको हम लोगों ने कम से कम 10-10 बार उसकी कंप्लेंट की है। एक तो मेन रोड है, आप देखेंगे मेन रोड है, ये मेन रोड पे आने जाने का सब रास्ता है, बीच में इसको 2 बार इन लोगों ने खोदा है और कई बार डीप कई खड्डा है वो, तो वो उनको सही ढंग से उनको बोला गया था कि भरना चाहिए कायदे से, तो इसको कॉन्क्रीट करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये पहले कॉन्क्रीट था, अभी इन लोगों ने बारिश के पहले टेम्पररी भर दिए, ऊपर ऐसी कच्चा माल डाल के गए। तो हमने उनसे कई बार मांग किया कि ये आप इसको सही करो, क्योंकि डेली है रोज़ ना रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, कई बार बोलने के बावजूद ईगल वाले की कोई सुनवाई नहीं है, तो ईगल वालों पे कार्रवाई होना चाहिए। आखिर ये जो ईगल एक कंपनी है भिवंडी शहर में एक बहुत बड़ा ये जो चीज़ है, हर लोग उसके ऊपर जो सेकंड फेज का, जैसे कि इन्होंने कहा कि सेकंड फेज में जो काम हुआ है वो अतिरिक्त कुछ काम हुआ है जो कि पूरे भिवंडी शहर में जांच का विषय बनता जा रहा है, लेकिन लोगों के बोलने के बावजूद यहां पर ईगल कंपनी पे कोई कार्रवाई की नहीं जा रही है। यहां पे जो आयुक्त है वो कमिश्नर बदली हो जाते हैं, लेकिन ईगल कंपनी का कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर पिछले मैं ये बताना चाहूँगा दर्शकों को, भिवंडी शहर के लोगों को, कि यहाँ भिवंडी शहर के एक वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने ये एक ब्लेम, मतलब ये कहते हुए एक कहा था कि भिवंडी शहर के जितने भी इंजीनियर्स हैं अधिकारी हैं उनको ब्रेजा बेटारा जो गाड़ी होती है वो गिव कर, शायद वो ईगल कंपनी ने गिव किया है, इसके लिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो हम इसी तरीके से, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे जो उप महापौर, जो माजी उप महापौर है, उन्होंने ये कहा है कि जो ईगल कंपनी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये जो भिवंडी शहर में जो सेवर जो ड्रेनेज लाइन का काम किया गया है वो एकदम घटिया और एकदम घटिया क्वालिटी का काम किया, जिसके वजह से लोगों को इसी तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है। कई जगह पे जो चेम्बर है जो वो ड्रेनेज का जो पानी है वो रोड पे बह रहा है, आखिर कब क्या मनपा के जो आयुक्त है जो जैसे जो अपना हंटर चलाए हुए, क्या इसको इनका हंटर ईगल कंपनी पे चलेगा? अब देखना ये है कि वो कोई ईगल कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी, मैं ताहिर शेख। भिवंडी शहर के गैबी नगर स्थित अपना नर्सिंग होम में हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक मेगा सर्जरी कैंप का आयोजन किया गया है, और वो भी किफायती पैकेज में। पित्त की थैली का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, हाइड्रोसील का ऑपरेशन, हर्निया का ऑपरेशन, बवासीर का ऑपरेशन, फर्स्ट सिजेरियन, ये सभी ऑपरेशन पैकेज में किया जाएगा। तो अगर आपके किसी परिचित इनमें से किसी भी बीमारी से परेशान हैं, ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, तो आज ही गैबी नगर स्थित अपना हॉस्पिटल नर्सिंग होम में जाकर डॉक्टर से बात कर अपनी तकलीफ से निजात पा सकते हैं। हॉस्पिटल का पता है अपना नर्सिंग होम, गैबी नगर, शांति नगर रोड, वफा कॉम्प्लेक्स के पास, भिवंडी। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।